आज हम ऐसे कमेंट बॉक्स बनाएंगे, इसकी वायरिंग कैसे करते हैं वायरिंग करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे तीन सॉकेट हैं, ये 5 पिन सॉकेट है और ये एक स्विच है और एक ये इंडिकेटर है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी इसकी वायरिंग कैसे करते हैं वो सिखाने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले अपन बॉक्स को खोल देंगे और फिर ऐसे इसमें ये टर्मिनल रहता है, ये जो एन लिख रखा है ये न्यूट्रल है, इधर एन लिखा है ये न्यूट्रल है और इधर एन लिखा है ये न्यूट्रल है, ठीक है। और जो एल लिखा है उसमें हम लोग लाइन देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो एन एन लिखा है उसको हम लोग ब्लू वायर लगा देंगे, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे एन लिखा हुआ है, नहीं लिखा है तो भी कोई इशू नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे आप किसी में भी एन लगाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वायरिंग करेंगे, सब में एन एन ये एन एन लिखा है उसमें ब्लू वायर लगा देते हैं, ठीक है। तो मैं इसके नाप का वायर छीन लेता हूँ, वायर छीन दिया है मैंने। और फिर लगा देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये वाला टर्मिनल पे हम लोग एक लो ये वायर लगा देंगे ब्लू वाला, जो न्यूट्रल के लिए काम में लेना है हम लोगों को। तो यहाँ पे ये लग गया है फ्रेंड्स, और दूसरा वाला यहाँ पे लगा लेंगे हम लोग दोनों को। ये एक वायर और इसके साथ में शॉर्ट करने का है और फिर इसमें लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास स्विच एक ही लगा रहे हैं हम लोग। तो न्यूट्रल तो वैसे कॉमन ही रहता है, लेकिन वो भी फेस भी अपने को कॉमन करने हैं, ठीक है। ये देखिए न्यूट्रल का तो यहाँ से इधर लग गया, यहाँ से इसमें चला जाएगा, ऊपर वाले सॉकेट में चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लग गया है, ये न्यूट्रल यहाँ से इधर और इधर से इधर हो गया, ये न्यूट्रल कॉमन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये और ये जो सारे तीनों अर्थिंग पॉइंट है, ऊपर वाला फ्रेंड्स अर्थिंग पॉइंट होता है, जो ये वाला होता है, तो हम लोग इसमें ग्रीन वायर लगा देंगे। तो आपको समझने में आसानी रहेगा, मैं वायर का कलर कोड इसीलिए ले रहा हूँ कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप चाहे तो दूसरा वायर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लगा लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी इसको टाइट कर लिया है, ये भी इसमें लगा देंगे हम लोग ऊपर वाले में। इसको आप लगाओगे तो ठीक है फ्रेंड्स, नहीं लगाओगे तो इतना इशू नहीं है, लेकिन लगाओगे तो अच्छा रहेगा। वैसे मोबाइल चार्जिंग वगैरह में तो अभी अर्थिंग का पॉइंट नहीं आता है, लेकिन आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये लग गया, उसके बाद अपने को लाइन देनी है और ये जो इंडिकेटर है इसमें लाइन देनी है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये वायर ले लेते हैं और अपना स्विच एक ही है फ्रेंड्स, तो हम लोग एक ही स्विच से तीनों सॉकेट को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा स्विच है, इससे ही तीनों को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वैसे का वैसे आपको ये जो ब्लू वाला किया है ऐसे कैसे इसको भी करने का, रेड वायर लगाएंगे इसका हम लोग। तो देखिए यहाँ पे इधर लगा देता हूँ मैं, ये दो वायर एक साथ लगा दिया हूँ, तो एक इसमें चला जाएगा और एक हमारा इसमें जो सॉकेट का ये बचा है वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये लगा दिया है इधर, इसके साथ फ्रेंड्स आपको एक और जोड़ने का है रेड वायर, क्योंकि स्विच में देने के लिए, ठीक है। इसके साथ एक जोड़ देता हूँ मैं वायर, अच्छे से इसको लपेट लेना है ताकि स्विच में डालने के लिए आपको, ये सॉकेट के टर्मिनल में डालने के लिए आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। इसमें डाल देंगे हम लोग सॉकेट के दूसरे वाले टर्मिनल में, एक में तो न्यूट्रल दे दिया है, दूसरे में ऊपर वाले में अपन अर्थिंग दे, ऊपर वाले में अर्थिंग दे दिया है। अभी हम लोग ये स्विच का टर्मिनल
टर्मिनल में दे देंगे, ठीक है। ये हमारा इधर स्विच है, इस स्विच का एक पॉइंट जो ऊपर वाला है ये, इसमें दे देंगे ये वायर को। यहाँ से पावर आएगा इसमें, फिर यहाँ से आएगा इसमें, यहाँ से आ जाएगा इसमें, तीनों सॉकेट में चला गया। और न्यूट्रल तो पहले से कॉमन ही रहेगा, और हमारा स्विच एक ही लगा रहे इसीलिए इसमें दे रहा हूँ, नहीं तो आप जैसे जैसे अलग स्विच है तो इसका अलग, इसका जैसे ये स्विच है तो इसका अलग, ऐसा करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको स्विच में देने का है, ये हमारे स्विच को दे दिया है। स्विच का जो फ्रेंड्स नीचे वाला टर्मिनल है वो आपको बाकी रखना है, और ये हमारा इंडिकेटर है तो इंडिकेटर में भी देना पड़ेगा अपने को। तो ये बटन जैसे ऑन करेंगे और इंडिकेटर ऑन होगा तो अपने को पता चलेगा कि बोर्ड ऑन है, ठीक है। तो इसका हम लोग वायरिंग कर लेते हैं इंडिकेटर का। इंडिकेटर का ये लूज़ करने का है टर्मिनल का स्क्रू। उसके बाद आपको इंडिकेटर को एक तो देने का है आपको फ्रेंड्स, एक तो देने का आपको इसमें न्यूट्रल, और एक देने का है फेस, ठीक है। तो किसी में भी आप एक में न्यूट्रल दे सकते हैं और एक में फेस देना आपको। तो मैं इसमें न्यूट्रल दे देता हूँ, ये सॉकेट में न्यूट्रल आला पास में, तो यहाँ से ही न्यूट्रल दे देता हूँ। और इसमें फेज, अपन इसमें फेज हम लोग फ्रेंड्स यहाँ से दे देंगे, तो बटन जैसे ऑन करेंगे इधर आ जाएगा सप्लाई, तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये लगा देता हूँ मैं। तो देखिए ये यहाँ पे मैं स्क्रू को अच्छे से टाइट कर दिया एक वायर लगा के। ये वाला इधर लगा देंगे इंडिकेटर का एक पॉइंट, जो हमको न्यूट्रल मिल जाएगा यहाँ से। यहाँ से हमें न्यूट्रल मिल जाएगा। ये हमारा न्यूट्रल मिल गया फ्रेंड्स। अभी इसमें हम लोग फेस दे देंगे, तो छोटा सा वायर का एक टुकड़ा लेने का है, इसमें लगाने का है रेड वाला, जिसमें फेस आ रहा है फ्रेंड्स हम उसको रेड वायर लगाएंगे, और न्यूट्रल जा रहा है उसको ब्लू, अर्थिंग वाले को ग्रीन, जो आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। इसके लिए मैं आपको इसमें दे देता हूँ, तो जैसे ही हम लोग बटन ऑन करेंगे और इंडिकेटर में सप्लाई चली जाएगी, और सारे सॉकेट में सप्लाई जाएगी तो इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि हमारा बोर्ड ऑन है, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से टाइट कर लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसमें सप्लाई देंगे। ये हमारा बोर्ड बनके रेडी है फ्रेंड्स, पूरी वायरिंग हो गई है। ये देखिए ये हमारा फेज हो गया, यहाँ से इसमें आ गया, यहाँ से इसमें आ गया, यहाँ से इसमें स्विच में आ गया, स्विच से ही एक इसमें इंडिकेटर में दे दिया, ये इसमें दे दिया। उसके बाद इंडिकेटर का दो दूसरा पॉइंट बचेगा, उसमें हम लोग न्यूट्रल लगा दिया, यहाँ से न्यूट्रल इसमें आ गया, यहाँ से इस ये सॉकेट में आ गया, ये सॉकेट में आ गया। अभी यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल का एक पॉइंट लगा देंगे, यहाँ लगाओ चाहे इधर लगाओ, चाहे इधर लगाओ, किधर भी लगाओ, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे भी तीनों जगह से एक में अर्थिंग लगा सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग फेज इसमें नहीं देना, फेज हमको सिर्फ ये स्विच में देना है, इसीलिए यहाँ पे देंगे तो स्विच से कनेक्ट कंट्रोल होगा, नहीं तो इधर दे दिया तो फिर स्विच का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी एक टॉप पिन है, और ये इस वायर का टॉप पिन का ये छेड़ा है, इसको हम लोग सीधा लगा देंगे, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे न्यूट्रल, जो ब्लैक वायर है हमारा वो इधर लगा रहा हूँ मेन सप्लाई के लिए। ये ब्लैक वायर इधर लगा देते हैं, और मेन सप्लाई के लिए रेड वाला वायर रखेंगे। वो रेड वाला वायर ये रहा, ये हमारा इधर लगा देंगे स्विच में, ठीक है। ये हमारा स्विच में लगा दिया है हम, ये देखिए ये स्विच में लगा दिया है। ये देखिए फेज न्यूट्रल दे दिया मैंने, अर्थिंग ने फेज न्यूट्रल दे दिया फ्रेंड्स। अभी हम लोग इसमें अर्थिंग नहीं दिया है, क्योंकि अर्थिंग के लिए इसमें ये थ्रू कोर ही वायर है,
थिंक देना चाहो आप, जरूरत नहीं है वैसे, देना चाहो तो इसमें दे सकते हैं, ठीक है थीके? तो ये पूरे में चला जाएगा, ये ग्रीन वाला पूरा अर्थिंग है, ब्लू वाला पूरा आपका न्यूट्रल है, और ये आपका फेज है, ठीक है, यहाँ से स्विच से आ रहा है, और ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर में दोनों फेज न्यूट्रल लगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसमें सप्लाई दे देंगे फ्रेंड, जैसे कि हमारा बोर्ड बन के तैयार है, इसमें हम लोग सप्लाई देंगे। ये इसमें सप्लाई दे दिया, अभी अपने को कैसे पता चलेगा कि इसमें सप्लाई दे दिया तो फेज आ रहा है या नहीं, या बल्ब वगैरह जल रहा है नहीं। तो ये इसके लिए मैं एक बल्ब और ये टू पिन लगा दी हूँ, तो इसके लिए हम लोग जैसे बटन ऑन करेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इंडिकेटर ऑन हो गया है, ये देखिए, ये हमारा इंडिकेटर ऑन हो गया, मतलब तीनों में सप्लाई चला गया है। फिर भी मैं आपको बल्ब लगा के दिखा देता हूँ, ये हमारा बल्ब है, ये इसमें लगा लेता हूँ, और ये बटन, ये हमारा बटन, ये देखो, ये बटन दबाते ही हमारा बल्ब ऑन हो गया। अभी दूसरे वाले सॉकेट को चेक करेंगे हम लोग, टॉप पिन को, ये देखिए ये हो गया है, और ये सॉकेट को हम लोग चेक करेंगे, ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए ये भी ऑन है, ठीक है। तो ऐसे हमारा बोर्ड बन के तैयार है, ठीक है फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।